Hello everyone, this is Roshif and you are watching UI Developer Code. Guys, मैं आज आपको बताने वाला हूँ टॉप 5 वेक्टर बेस्ड इलस्ट्रेशन जो कि बिल्कुल फ्री हैं, जिसको आप अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हो। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले उसको सब्सक्राइब कर लें एंड हिट द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट। तो गाइज, मैं आपको बताने वाला हूँ 5 ऐसी वेबसाइट्स जो मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ, जहाँ से आप फ्री वेक्टर और आइकन्स को यूज़ कर सकते हैं और अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट में जब भी आप कोई लैंडिंग पेज बनाते हैं, बैनर बनाते हैं, वहाँ पर उसको यूज़ कर सकते हैं। तो गाइज, जब भी हम कोई डिज़ाइन बनाना स्टार्ट करते हैं, वी नीड टू टाइप ऑफ ग्राफिक्स। फर्स्ट वन इज़ बेसिक इलस्ट्रेशन और दूसरा होता है आइकन्स। तो जब भी हम अपने डिज़ाइन में ऐसा इलस्ट्रेशन और आइकन्स यूज़ करते हैं तो हमारा डिज़ाइन बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाता है। अगर आप ये इलस्ट्रेशन और आइकन्स खुद से बनाते हैं तो वेल एंड गुड है, बट मोस्ट ऑफ द पीपल इसको डाउनलोड ही करते हैं, क्योंकि हर कोई आइकन्स और डिज़ाइंस को बनाने में परफेक्ट नहीं होता। तो गाइज, मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप कौन सी वेबसाइट यूज़ करते हैं इस तरह के आइकन्स और ग्राफिक्स को डाउनलोड करने में, या आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके भी मुझे बता सकते हैं। तो गाइज, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने नंबर 5 पर जो रिसोर्स रखा है उसका नाम है आइकन फाइंडर। अगर मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ सोशल मीडिया, तो यहाँ पर सोशल मीडिया से रिलेटेड आइकन्स आ गए हैं। अभी यहाँ पर इसकी कॉस्ट दिखा रहा है $2। यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करते हैं तो ये फ्री में है सब। जब मैंने इस वेबसाइट का यूज़ करना स्टार्ट किया था लगभग 4-5 साल पहले, तो उस टाइम तो ऑलमोस्ट सब फ्री ही होते थे, पर अब यहाँ पर डॉलर्स में मिलने लग गए हैं। पर आप यहाँ पर फ्री भी देख सकते हैं, फ्री भी बहुत सारे अवेलेबल हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे आइकन्स हैं। तो गाइस, अब देखते हैं नंबर 4 पर मैंने किसको रखा है। उसका नाम है फ्लैट आइकन। ये भी बहुत अच्छा रिसोर्स है। यहाँ ये भी मैं इसको पर्सनली यूज़ करता हूँ, एक्चुअली मैं उसको बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ। यहाँ पर देख लेते हैं, अगर मैं सर्च करता हूँ कंप्यूटर, तो मेरे पास कंप्यूटर से रिलेटेड काफ़ी सारे आइकन्स अवेलेबल हैं, बहुत अच्छे अच्छे आइकन्स अवेलेबल हैं। यहाँ पर कलरफुल और ब्लैक एंड वाइट सब तरह के आइकन्स मिल जाएंगे। तो अगर मैं इसको डाउनलोड करता हूँ, यहाँ पर ये देखिए दो जिसके भी मैं होल्ड कर रहा हूँ तो दो आइकन दिखा रहा है। ये प्लस वाले का आइकन ही होता है कि हमें मल्टी डाउनलोड करना है, और इसका मतलब होता है सिंगल डाउनलोड करना है। तो मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देखिए मुझे दो कैटेगरी दिखा रहा है, अगर मुझे PNG डाउनलोड करनी है या फिर SVG डाउनलोड करनी है। तो यहाँ पर दोनों अवेलेबल हैं, तो यहाँ से आप इसको साइज़ भी डिफाइन कर सकते हैं किस साइज़ में चाहिए आपको। तो ये भी बहुत अच्छी वेबसाइट है। तो तीसरे नंबर पे जो मैंने रिसोर्स रखा है उसका नाम है ह्यूमंस। अगर मैं यहाँ पर गैटरी लाइब्रेरी पे जाता हूँ तो ये ड्रॉप बॉक्स में इन्होंने बनाया हुआ है, बहुत सारे आइकन्स रखे हुए हैं। बेसिकली ये ह्यूमंस का पोस्टर्स दिखाता है। यहाँ पर इन्होंने काफ़ी ज़्यादा कैटेगराइज किया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बॉडी, बॉटम, हेड, तो गाइस यहाँ पर देखिए मैंने बॉटम फोल्डर सेलेक्ट किया था, तो बॉटम से रिलेटेड बहुत सारे ग्राफिक्स आ गए हैं डिफरेंट शेप के। तो यहाँ पर आप जिस भी शेप की ग्राफिक्स चाहते हैं वो आपको बहुत सारे ग्राफिक्स मिल जाएंगे। आप इस वेबसाइट पर अगर काफ़ी ज़्यादा, जैसे यहाँ पर सेटिंग में देख जाता हूँ मैं, तो सेटिंग से रिलेटेड बहुत सारे ग्राफिक्स आ जाएंगे। तो यहाँ पर आप सेटिंग से रिलेटेड ग्राफिक्स आ गए हैं। तो ये भी बहुत अच्छी वेबसाइट है, आप यहाँ पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग जो भी आपको ग्राफिक्स चाहिए वो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइस, चलते हैं आप नेक्स्ट रिसोर्स की तरफ। नंबर 2 पर मैंने रखा है फ्री पिक। ये भी मैं वेबसाइट बहुत यूज़ करता हूँ। यहाँ पर अगर मुझे देखना है मोबाइल, तो गाइस यहाँ पर मोबाइल से रिलेटेड डेटा आ गया है। तो यहाँ पर दोनों तरह के डेटा मिल जाते हैं, सिंगल इमेज भी मिल जाती है और जो ग्रुप्स में डिज़ाइन होता है वो भी मिल जाता है। यहाँ से आप ऊपर से कैटेगरी डिफाइन कर सकते हैं कि आपको वेक्टर चाहिए, फ़ोटोज़ चाहिए, PSD, सब तरह का मिल जाता है यहाँ पर। हाँ, ये डिज़ाइन बहुत अच्छा लग रहा है, ये भी अच्छा लग रहा है। तो आप यहाँ से भी अपने डिज़ाइन के लिए इलस्ट्रेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे इलस्ट्रेशन मिल जाते हैं। मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा, जब भी आप कोई डाउनलोड करते हैं तो उसको रिडिज़ाइन ज़रूर करें। तो यहाँ से काफ़ी ज़्यादा रिसोर्सेज डाउनलोड किए जाते हैं,
तो बेटर है कि आपका डिज़ाइन सिमिलर ना हो जाए। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप जो भी डाउनलोड करते हैं उसको रीडिज़ाइन कर लें और फिर अपने प्रोजेक्ट में उसको यूज़ करें। तो गाइस चलते हैं नेक्स्ट रिसोर्स की तरफ, जो मैंने रखा है नंबर वन पर, जो मुझे पर्सनली सबसे ज़्यादा पसंद है, उसका नाम है अनड्रॉ। यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा ग्राफिक्स देखने को मिल जाएंगे। मैं ब्राउज नाउ पर अगर क्लिक करता हूँ तो एक बहुत लंबी लिस्ट खुल जाएगी। आप इसको स्क्रॉल करते जाएंगे और नीचे ग्राफिक डाउनलोड होते रहेंगे। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ग्राफिक्स हैं और बहुत अच्छे अच्छे ग्राफिक्स अवेलेबल हैं। आप यहाँ से किसी भी टाइप का ग्राफिक्स डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखते हैं, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, SVG डाउनलोड कर सकते हैं और PNG डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ से भी आप बहुत अच्छे अच्छे ग्राफिक्स डाउनलोड कर सकते हैं और आप उसको एक बार रीडिज़ाइन ज़रूर कर लें। बेटर है किसी से मैच ना हो जाए आपका डिज़ाइन। ये लिस्ट ख़त्म ही नहीं होती है, स्क्रॉल करते जाएंगे तो स्क्रॉल करते जाएंगे नीचे आते जाएगा। बहुत ज़्यादा यहाँ पर ग्राफिक्स अवेलेबल हैं। आप यहाँ पर कस्टम सर्च भी कर सकते हैं अगर आपको कुछ सर्च करना है। जैसे मैं टाइप करता हूँ तो फिल्टर होकर यहाँ पर उससे रिलेटेड डेटा आ जाता है। वर्डप्रेस, जैसे ऐसे मैंने सर्च कर लिया वर्डप्रेस रिलेटेड भी यहाँ पर डेटा अवेलेबल है। तो गाइस इन मैंने टॉप 5 इलस्ट्रेशन की लिस्ट को अपने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहाँ से जाकर उसको चेक कर सकते हैं और आप फ्री इसको इजीली डाउनलोड कर सकते हैं और अपने प्रोजेक्ट्स में इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इलस्ट्रेशन में इतने अच्छे नहीं हैं और आपको लैंडिंग पेज पर कोई डिज़ाइन चाहिए, आपको अच्छे अच्छे ग्राफिक्स चाहिए, तो मैं हाईली रिकमेंड करूँगा आप अनड्रॉ से आप ग्राफिक्स डाउनलोड करें, क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे ग्राफिक्स आपको ईजिली मिल जाएंगे और इनकी जो लिस्ट है वो भी बहुत लंबी है। आपको रिलेटेड ग्राफिक्स ज़रूर मिल जाएंगे आप अपने प्रोजेक्ट्स के लिए। तो इसीलिए मैंने अनड्रॉ को नंबर वन पर रखा है, क्योंकि मुझे ये पर्सनली बहुत ही अच्छा लगता है। सो ऑल राइट गाइस, होप यू एंजॉयड दिस लिस्ट। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप अपने प्रोजेक्ट्स के लिए कौन सी वेबसाइट्स को यूज़ करते हैं इस तरह के ग्राफिक्स को और आइकन्स को डाउनलोड करने के लिए। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि जब भी मैं कोई ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो डालूँ आप उसको सबसे पहले देख सकें।